नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दुश्मनों की कुत्ते से भी बुरी हालत होगी। आने वाले 24 घंटों के अंदर आप सभी का जीवन बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों अगले 24 घंटों के अंदर करों के शुभ मिलनसार से भोलेनाथ शनिदेव और मां लक्ष्मी की असीम कृपा आपकी कुंडली पर पड़ रही है। जी हां दोस्तों, भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन काल में लाभ के नए मौके खुलेंगे। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से यश में आपके सभी दुश्मनों की कुत्ते से भी बुरी हालत होगी, जो आपके रास्ते रोका करते थे। शायद दोस्तों मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से यश में पेशा आप संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि दोस्तों भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। इस दुनिया के रचयिता तो भगवान ही है। भगवान अगर किसी ऊपर मेहरबान हो जाए तो दोस्तों कब दिन से उनके रात हो जाए वह समझ नहीं पाते, और कब उनके रात से दिन हो जाए वह समझ नहीं पाते। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि इस दुनिया में और कुछ नहीं है, सब ईश्वर की लीला है, जो कि व्यक्ति उनके आगे पीछे करता है और उनके लीला को समझ नहीं पाता है। जो भी व्यक्ति जानता है कि सब ईश्वर का खेल है, वो बहुत ही जिंदगी में तरक्की करते हैं, और जो लोग इन सभी बातों से अनजान होते हैं, भक्ति भाव पर यकीन नहीं रखते हैं। दोस्तों, यह बात आप जानते होंगे कि उनके जीवन काल में एक ना एक दिन समस्याएं अवश्य आती है और उनको वह समस्याएं घेर लेती है, और जीवन में कहीं ना कहीं उनको बहुत ही भारी नुकसान भी होता है। जी दोस्तों, और इसी प्रकार आप सभी को बता दें कि ईश्वर का ही आशीर्वाद है, जो कि इन तीन दिनों के समय अवधि में आप सभी की ग्रहों की बहुत ही शुभ स्थिति बनने वाली है, जो कि दोस्तों आपकी कुंडली के लिए बहुत ही लाभकारी स्थिति का निर्माण करेंगे। घर से जुड़े, सामाजिक जीवन से जुड़े सभी प्रकार के क्षेत्रों में यश में आपको लाभ मिलने वाले हैं। एक प्रकार से दोस्तों कहें तो यश में आपके सपनों का महल खड़ा होगा, परंतु दोस्तों आपको यश में कुछ बातों का बहुत ही विशेष ध्यान रखना होगा। जी दोस्तों, हम आप शुभ बता दें कि आज का यह वीडियो पूरी तरह ग्रहों पर निर्मित है। इनमें आप जानेंगे कैसे आप यश में इन तीन दिनों के अंदर कौन से कार्य करेंगे ताकि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हो सके। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आप यश में कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे अपने जन्मकाल में कौन सी विशेष साधनें रखेंगे ताकि धन की आवक आपकी बढ़ जाए, और आपके जन्मकाल में कैसे आप समस्याओं को दूर कर पाएंगे, सभी जानकारियां बहुत ही गहरी तरीके से इस वीडियो में समाहित है, वो भी ग्रहों के गोचर पर आधारित। जी दोस्तों, अगर आप आज के इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों भगवान भोलेनाथ का ऐसा आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा कि जीवन नहीं बल्कि आने वाले 7 जन्म भी आपका संवर जाएगा। जी दोस्तों, उससे पहले दोस्तों जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव लिख दें। भगवान भोलेनाथ का असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। शादी दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपको आने वाले 3 दिनों के अंदर जीवन की सबसे बड़ी खुशियां मिलने वाली है, परंतु दोस्तों आपको अपने जीवन काल में कुछ ऐसी बातें हैं जिनका बहुत ही ज्यादा विशेष ध्यान रखने होंगे। हम आप सभी को बता दें कि इन 3 दिनों के अंदर आपको बता दें कि परमात्मा के साथ बैठिए इतने गहरे भाव से कि आपके आंसू आ जाए। किसी प्रकार की कोई आकांक्षा या फिर मांग न रखें। जी दोस्तों, क्योंकि भगवान आपको बिन मांगे जब देते हैं तो उनके सामने आप मांग क्यों रखेंगे। परमात्मा का होना ही एक बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है, मांगना नहीं पड़ता है, बस उनके सामने आप सिर झुकाकर बैठ जाइए। वे आपके सारी बिगड़ी हर लेंगे, वे आपकी सारी समस्याएं पहले से ही जानते हैं। जी दोस्तों, हम आप सबको बता दें कि उनके पास होने से ही सब मिल जाता है। जैसे फूल के पास जाओ तो खुशबू अपने आप मिलने लगती है। जी दोस्तों, इसी प्रकार परमात्मा ने सारी व्यवस्था पहले से की हुई है, मांगने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं, कोई भी जरूरत नहीं, बस उनके पास जाना है और उनकी शरण गति स्वीकार कर लेना है। उनके बताए मार्ग पर आपको चलना है। जो भी भगवान संदेश देते हैं वह इसमें आपको उनको अपने आप पर ढालना है कि ईश्वर हमको कौन से संदेश देते हैं। तो दोस्तों, हमारा कर्तव्य बस इतना ही है कि बाकी सब स्वयं ही हो जाता है। जी हां दोस्तों, तो आपको करना क्या है कि इन 3 दिनों के अंदर आपको भक्ति भाव पर बहुत ही गहरी विश्वास रखना है। यूँ कहें तो एक प्रकार से भगवान पर जिन्हें आप मानते हैं उनके ऊपर लीन हो जाना है, उनके ऊपर अपने जीवन की सारी कार्यों को छोड़ देना है। और दोस्तों देखिए कि आपके जीवन काल में कितने अच्छे आपको मौके मिलेंगे, यूँ कहें तो आपके सपनों का ही महल खड़ा हो जाएगा। जी दोस्तों, तो दोस्तों इन बातों का ध्यान आपको अगले 3 दिनों के अंदर रखना है
तो आए दोस्तों ऋषि के साथ बात करते हैं कि अगले 3 दिनों के अंदर आखिर भगवान भोलेनाथ आप सभी की जुनकाल में जो ग्रहों की सुविधि बनाए हैं, जो ग्रहों में इतने अच्छे बदलाव किए हैं, आखिर आपके घर के माहौल में पारिजन में आपको कौन कौन से बड़े बदलाव करने वाले हैं, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियाँ अगले 3 दिनों के अंदर आपको देने वाले हैं। तो आए दोस्तों बात करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा कि दोस्तों वीडियो के मध्य में हम आपको भगवान भोलेनाथ का हुआ ज्ञान देने वाले हैं, भगवान भोलेनाथ के वह संकेत बताने वाले हैं जिन्हें अगर आप सुन लेंगे, जिन्हें अगर आप समझ लेंगे तो दोस्तों अगले 3 दिनों के अंदर आप सभी का जीवन सफल हो जाएगा। जी दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों यश में संतोषजनक समय चल रहा है, जल्दबाजी के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से आपको काम निपटाने का प्रयास करना चाहिए तथा दोस्तों अपनी कार्य क्षमता और योग्यता पर विश्वास रखना चाहिए, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों कुछ राजनीतिक लोगों से मेलजोल या फिर मुलाकात बेहतरीन साबित आपके लिए होंगे। यश में आपके उनसे जो कुछ सीखने को आपको मिलेगा जो कि आपके भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसको बनाओ दोस्तों यश में सावधानी को लेकर अगर बात करें तो दोस्तों यश में ध्यान रखें कि अधिक सोच विचार करने में कुछ परिणाम जो है आपके हाथ से निकल सकते हैं। स्वभाव में यश में घमंड और अति आत्मविश्वास जैसी नकारात्मक परिस्थितियां ना आने दें। दोस्तों यश में सेविंग में भी आपकी कमी रहेगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, यदि आप नई प्रॉपर्टी या फिर घर खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए पेशा जोड़ना शुरू करना होगा। आपके द्वारा दी गई लोन की अर्जी यश में नकारा जा सकता है, लेकिन दोस्तों पैसे से जुड़ी मदद आपको परिवार के मित्रों से प्राप्त हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों पैसे से जुड़ी चिंता पड़ने की वजह से आप जो है किसी भी काम पर पूरा ध्यान यश में नहीं लगा पाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपकी दिनचर्या के लिए समय होंगे। दोस्तों घर को सुव्यवस्थित रखने में आपकी विशेष रुचि रहेगी। पिछले कुछ समय से चल रही परेशानियां आपके सकारात्मक दृष्टिकोण और संतुलित सोच से काफी हद तक सुलझ जाएंगी। साथ ही दोस्तों थकान की दिनचर्या से सुकून पाने के लिए किसी एकांत या फिर धार्मिक स्थल पर कुछ समय व्यतीत करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, किसी मित्र या फिर रिश्तेदार की गलत सलाह के लिए परेशानी का कारण बनेंगे। बेहतर है कि दोस्तों अपने निर्णय को ही सर्वोपरि रखें और दोस्तों अपने गुस्से और अहम जैसी नकारात्मक कमियों में सुधार लाने के लिए आपका जो समय होगा अति उत्तम समय होगा, इनमें आप सुधार लाने की कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। दोस्तों अपनी भावनाओं को काबू में करना भी आपके लिए यश में आसान रहेगा। अधिकतर समय आप अपने विचारों में खोए रहेंगे और इनकी वजह से आप जो है किसी जटिल प्रश्न का भी उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों दूसरों के प्रति भी रखी अपेक्षाओं को कम रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके बाद दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों दृढ़ निश्चय होकर अपने प्रत्येक कार्य में ध्यान दें। आर्थिक दृष्टि से ये जो दिन है, ये जो समय है आपके लिए बेहतरीन उपलब्धियाँ ला रहा है। इसके बाद दोस्तों यश में रचनात्मक तथा मन मुताबिक गतिविधियों में भी आप व्यस्त रहेंगे। इसको उपरांत दोस्तों यश में ग्रह स्थिति कुछ ऐसी है कि दूसरों की सलाह पर काम करने की अपेक्षा स्वयं पर भरोसा रखें। दिनचर्या को व्यवस्थित रखना आपके लिए अति आवश्यक होगा। कभी कभी गुस्से या फिर वाणी में कटुता की वजह से बनते कार्य भी बिगड़ सकते हैं, इस बात का भी ध्यान दें और अपने वाणी पर संयम रखकर ही कार्यों को शुरू करें। इसके बाद दोस्तों यश में आपके अंदर की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों को संतुलित रखना आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दूसरों के द्वारा कही गई बातों से जो आपको मानसिक तकलीफ होती है, उस तकलीफ की वजह से आप जो है गलत निर्णय यश में ले सकते हैं, इसलिए दोस्तों खुद को शांत रखने का प्रयास यश में आपको करना चाहिए। दोस्तों दूसरों की बातों में आकर व्यक्तिगत जीवन के लिए या फिर व्यक्तिगत जीवन के बारे में आप जो निर्णय में बदलाव न लाएं, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके बाद दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों पिछले कुछ दिनों से चल रही थकान भरी दिनचर्या से सुकून पाने के लिए आपको जो है रुचिपूर्ण कार्यों में अपना समय को व्यतीत करना चाहिए। यश में आपका कोई रुका हुआ या फिर उधार दिया हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है, इसकी संभावना बन रही है। परंतु दोस्तों इसमें ध्यान रखिए कि पैसे आने के साथ साथ खर्चे भी रहेंगे। दोस्तों इसमें लापरवाही में आकर किसी भी नियम का उल्लंघन ना करें, अन्यथा कानूनी पचड़े में भी आप फंस सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में अभी वक्त आपके पक्ष में ही रहेगा। करीबी व्यक्ति द्वारा आनंद आपको प्राप्त होगा, परिवार और मित्रों में जो है आपका प्रभाव बना रहेगा। दोस्तों आपकी व्यक्तिगत दिनचर्या से जुड़ी हर बातों में आपको प्रगति प्राप्त होगी। दोस्तों यश में मन आनंदित रहने की वजह से छोटी बातों का भी आप पूरा लुत्फ यश में उठा पाए।